हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डैमेज ऑप्टिक नर्व लीडिंग टू ब्लाइंडनेस इफ टेकन इंटरनली। CH3COOH, C2H5OH, NaHCO3 और CH3OH। देखो, सबसे पहले एक एक करके समझना होगा। CH3COOH ये हमारा एसिटिक एसिड है जो कि विनेगर में डाला होता है, ठीक है। अगर विनेगर हम लोग टेस्ट करते हैं तो इससे हमको कोई नुकसान नहीं होता है। जनरली हम लोग विनेगर को नूडल्स, चाउमीन वगैरह में डाल के बनाया जाता है, और विनेगर का कई सारे खाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर ऑप्शन की बात करें, दूसरा ऑप्शन है हमारा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का भी कई सारे यूज है, मेडिसिन में यूज किया जाता है, मेडिसिन में यूज किया जाता है, ठीक है, वाइन में यूज किया जाता है, ठीक है, उसके बाद बियर में यूज किया जाता है, ठीक है, इन सभी में अल्कोहल का यूज किया जाता है। तो इसके भी कंजप्शन से हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, बहुत ज्यादा कंजप्शन से कुछ बीमारियां हो सकती है, जो कि दिक्कत कर सकता है, लीवर को डैमेज कर सकता है, लेकिन हाँ, जनरली इसके इंटरनल पार्ट में अगर हमारे जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि मेडिसिन या वाइन या बियर में हम लोग इसको यूज करते हैं, तो ये भी हमारा सही उत्तर नहीं है। तीसरा है हमारा NaHCO3, इसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है। कई सारे खाने में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है और खाना को थोड़ा खास्ता बनाया जाता है, जैसे केक वगैरह में भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, ठीक है, केक बनाने में, पाव रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में, ये सब में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। जब उसको खाते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और आखिरी है हमारा मिथेनॉल। मिथेनॉल जो होता है ये बहुत खतरनाक है, ये पॉइजनस है। जब इसको इंटरनली लेते हैं तो ये हमारे लीवर में जाके क्या करता है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोग का लीवर में इन्फेक्शन होता है और हमारा सेल जो होता है वो काम करना बंद कर देता है। ये हमारे ऑप्टिक नर्व को डैमेज भी कर सकता है, ठीक है, सेल काम नहीं करेगा, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, जिसके वजह से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, उसका आंख खराब हो सकता है, ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेथेनॉल। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।